नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे धोरण 7 प्रकरण नंबर 3 भणीशुं। हवे प्रकरण नंबर 3 नुं नाम छे सच्चा हीरा। तमने तमारो पाठ्यपुस्तक खोलो एटले तमने ख्याल आवशे के आ पाठमां शुं तमने कहेवा मांगे छे के अहींया एक पाठमां 3-4 स्त्रीओ छे। चारे चार स्त्रीओ पोताना बाळक विशे वात करे छे। हरेक माता ने पोतानुं बाळक वालू ज होय छे, गमे एना अवगुणो होय गमे होय, पण बीजा पासे वात करे त्यारे तेना वखाण ज करती होय छे। अहींया कंईक एवो ज पाठ आपणने आपेलो छे, पण साचो हीरो एटले साचो बाळक माता તરીકેનું કોણ છે એ અહીંયા તમને સમજાવવા માટે મૂકેલું છે। પાઠ 3 ધોરણ 7 સચ્ચા હીરા। સૂર્ય સો હો રહા થા, પક્ષી જલ ચલાતે હુએ અપને નીંદ કી ઓર જા રહે થે। એટલે કે સૂરજ ઉગી રહ્યો તો, નીંદ એટલે કે માળો, પક્ષીઓ બધા પોતાના એટલે કે પક્ષીઓ બધા પોતપોતાના માળે જઈ ગયા, એટલે કે જે પોતાની જગ્યા હોય માળો ત્યાં પાછળ જો સાંજ પડે ત્યારે જુઓ છો ને કે સૂર્યાસ્ત થતો હોય એટલે પક્ષીઓ પોતપોતાના ઘરની અંદર જતા હોય છે। ગામ કી પુસ્ત્રિયા પાણીની લેને કે લિયે ઘડે લેકર કુએ કી ઓર ચલ પડી। પાણી ભરકર પુસ્ત્રિયા તો અપને ઘરો કો લોટ ગઈ, પરંતુ ઉસમે સે ચાર કુએ કી पक्की जगत के बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बाद में बेटा पर आजा पहुंचे, जो सु कहे छे घणी स्त्री પોતાનું કામ કરી फटाफट पानी भरी। गामडा में तो कुआ हो एटले कोईया कुआ नो दृश्य आपेलू छे, એટલે એવી ચાર બેન પડી છે કે જે ઓલાને પેલાની વાતો કરવાની ટેવ હોય છે, એટલે કે એ બેસી અને પોતપોતાના બાળકોની વાત કરે છે। इसमें से उसकी उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, वह कहने लगी भगवान सबको बेटा मेरे बेटे जैसा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। जो एक स्त्री से शू कहे छे पोताना बाळक में खूब ज वखाण करे छे, एनामां कयो सारो गुण छे के सरस मजानु गाय छे, केम के मारा जेवो छोकरो छे बधाने आपे, केटलो सरस एनो अवाज छे के कोयल जेवो अवाज छे, एनो गीत बधाने सांभळवू गमे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन भी हुआ कि भी वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करके उसने पहली स्त्री से कहा मेरे बेटे की बारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो सुन के छे के पहली स्त्री की बात सांभळी ने बीजी स्त्री ने पण पोताना बाळक विशे वात करवानी इच्छा થાય છે, એટલે કે છે કે મારા છોકરા જેવી બરાબરીમાં કોઈ આવી શકે નહીં, વહ બહુ જ શક્તિશાળી ઓર બહાદુર હૈ, વહ બડે બડે બહાદુર કો ભી પછાડ દેતા હૈ, વહ આધુનિક યુગ કા ભીમ હૈ। શું કે છે મારો છોકરો એટલો બલવાન છે, અત્યારે આધુનિક યુગ નો ભીમ છે। યે સબ સુનકર તીસરી ઓરત ભી ચુપ ન રહ સકી, વહ બોલતી મેરા બેટા સાક્ષાત બૃહસ્પતિ કા અવતાર હૈ, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम से याद लेता है, और ऐसा लगता है कि मानो उसे कंठ में सरस्वती का निवास है। जसु के छे बे स्त्री ने वात सांभळी ने त्रीजी स्त्री पण एने पण एम थाय छे के मारा छोकरा ने हुं वात करुं। जो स्त्रीओ बैठी हुई एटले एक वात करे ने वादे वादे बीजी वातो निकले छे। त्रीजी स्त्री पण एम के छे के मारो छोकरा तो बृहस्पति एटले के भगवान नो साक्षात अवतार छे, ना कंठस्थमां तो सरस्वती माता वसेला છે, કે જેવું વાંચે છે બધું જ એને ખૂબ જ સારી રીતે યાદ રહી જાય છે। તીનો વાત કી બાત સુનકર ચોથી સ્ત્રી ચૂપચાપ બેઠ રહી, ઉસે અપને બેટે કે બારે મેં કુછ ન કહા। પહેલી સ્ત્રી ને ઉસે ટોકતે હુએ કહા ક્યો બહન તુમ ક્યો ચૂપ હો, તુમ ભી તો અપને બેટે કે બારે મેં કુછ બતાઓ। ચોથી સ્ત્રી કી બડે હી સહજ ભાવ સે કહા મેં અપને બેટે કી ક્યા પ્રશંસા કરું, वह न तो गबंधर सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न बृहस्पति का बुद्धिमान। शू कहे छे चार बहन पड़ी छे, मैं त्रणे त्रण स्त्रीओ पोताना बाळक नी वात करी लीधी, हवे चौथी स्त्री कशु बोलती नथी। त्रणे जणी कहे छे के तू तो कई तार छोकरा नी वात कर, एटले के इसके हुं शुं वात करुं मारा छोकरा के तमारा छोकरा जेवो तो मारो छोकरो नथी, एटले के एने मां एवा कोई विशेषता ना गुण નથી કે એવો ગંધર્વ જેવો ગાયકાર નથી કે બલવાન ભીમ જેવો બલવાન નથી,
बुद्धिमान बृहस्पति जो कोई बुद्धिमान नहीं। कुछ समय बाद जब सब घड़े के सिर पर रखकर लौटने लगे तभी किसी के गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर परिश्री बोली, सुना मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। जोशु कैसे रस्ता में चाली जाए छे एटला में थोड़ो के एक छोकरा नो सरस मंदन गावानो अवाज संभळाय छे। एटले जे परिश्री छे के छे सांभळ्यू केवो अवाज संभळाय छे, सरस मीठो ए मारा बाळक गाई रह्यो छे। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया और दूसरी स्त्री को देखकर गौर से बोली, देखो ये मेरा लाडला आ रहा है, शक्ति और सम्मान में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कहीं ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गए। जो शू कह पेरिस्त्री नो छोकरो हतो तो ये पण कहे छे के वखाणगर सरस मदन क्यों गाय छे, वे पोतानी माता माथे पानी लेडावे छे तो ए बाळक एनी माता सामे कोई ध्यान देतुं नथी। एज रीते बीजी स्त्री नो बाळक आवे छे के भीम जेवो बलवान छे ए पण पोतानी माता सामे ध्यान आपतो नथी। वे कुछ आगे बढ़ते लेकर एक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पठन करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। छोकरो साक्षात सरस्वती माता वसेला स्त्री गदगद स्वर में कहा, देखो ये मेरी गोद का हीरा है, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी उसके आंखों आंखे माँ के देखे बिना आगे बढ़ गया। शू कह तीजी पर छोकरो सामे आवतो रहे छे ए पण एना वखाण करे छे, त्रणे त्रण छोकरा सामे आवे छे, पोतानी माताना माथे पाणी भरेलू छे, पण एके एवुं नथी कहेता के लावमां हुं तारा माथेथी पाणी लई लउं, बधा सामेथी पसार थई जाय छे। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसी चौथी स्त्री ने कहा, बहन ये मेरा लाल है। जसु कहते कि चौथी स्त्री को छोकरो यहाँ अचानक निकले छे, एटले कहे छे के एनो देखावे के सीधो साधो होय छे, सरल प्रकृति नो होय छे। तो चौथी स्त्री कहे छे के देखो ये मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता भी रही थी तो उसका बेटा पास आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर बहुत रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा कड़ा पहुंचा दू। जोशु कहे चौथी स्त्री पोताना बाळक विशे कई कहवा जाए छे के पोतानो छोकरो जे छे माँ पासे आवे छे अने कहे छे के ना माँ हुं तारो घोड़ो घेर पहुंचाओ। मना करने भी उसे माँ के सिर से पानी से भरा हुआ घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चला। शू कहे माँ ने ना पाड़ी छता पण एनो छोकरो पोताना माना माथा माथे पानी भरेलो घड़ो पोते लई अने घर तरफ जई रह्यो छे। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत से इन दो औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बात सुन रही थी और पास आकर बोली, देखती हो क्या ये सच्चा हीरा है। जो शू कहे छे के आ त्रणे छोकरी हती ए तो बधानी वात सांभळी रही थी। एक बूढ़ी एटले के बूढ़ी औरत एटले एक वृद्ध मानस ये सांभळी रही थी। एक पाछे आईने कहे छे के शू जोई रहे थे के हकीकतमां जे हीरो छे ए चौथी स्त्री नो जे बाळक छे ए साचो हीरो कहेवाय। पाठमां ख्याल आवे छे विद्यार्थी मित्रों के आ पाठ तमने शू समजावा मांगे छे। हवे थोड़ाक आपणे शब्दार्थो जोई देशुं। हीरा जो नवरत्न चाव तो प्रबल, पछाड़ना तो हराना, प्रशंसा तो तारी, बराबरी तो तुलना, बृहस्पति तो देव का गुरु अने गर्व तो अभिमान। हवे आपणे थोड़ा प्रश्नों अने खाली जग्या पण एवुं पण वाचन करीशुं जे तमारे ध्यानथी सांभळवानुं छे। सच्चा हीरा पाठ का साहित्य प्रकार बताए तो कहानी वार्ता छे। पक्षी जल चलाते हुए अपने खांजी के की ओर जा रहे थे इतने के नीले थे माड़ा। गांव की कुछ लड़कियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। सचू खोटू खोटू
गाँव स्त्री कहाँ बैठकर बातें करने लगी, तो स्त्री कुए की पक्की जगह पर बैठकर बातें करने लगी। पहली स्त्री का बेटा क्या कर रहा था, तो पहली स्त्री का बेटा गाता था। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की क्या विशेषता में क्या कहा, तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बारे में ये कहा कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है कि मानो उसके कर्म में सरस्वती का निवास है। चौथी स्त्री चुपचाप क्यों बैठी है, चौथी स्त्री चुपचाप इसलिए बैठी है क्योंकि उसके बेटे में अन्य तीन स्त्रियों के बेटे जैसे कुछ भी विशेषता नहीं है। शक्ति और सामर्थ्य में किसके बेटे के बारे में कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो शक्ति और सामर्थ्य दूसरी स्त्री के बेटे के बारे में कोई बराबरी नहीं कर सकता। स्त्रियों की बातें कौन सुन रहा था, तो स्त्रियों की बातें उसके पीछे चलने वाली एक वृद्ध महिला सुन रही थी। हमें अपने कौन किसे कहता है ये वाक्य जो सुन यही सच्चा हीरा है, तो यह वाक्य वृद्ध महिला अन्य तीन स्त्रियों से कहती है। बी, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं, तो चौथी स्त्री का बेटा उसे माँ से कहती है। सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तो पहली स्त्री अन्य स्त्री से कहती है। देखो यही मेरे गोद का हीरा, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। देखो वह मेरा लाडला आ रहा है, तो दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। समानार्थी शब्द हीरा तो नवरत्न, कंठ तो आवाज, आधुनिक तो अर्वाचीन, निवास तो घर, चाव तो लगन, प्रशंसा तो तारीफ, गर्व तो अभिमान, नेत तो घोंसला, समर्थन तो बल, अभिमान तो घमंड। विरुद्धार्थी शब्द प्रशंसा तो ये बुराई, मधुर तो कठोर, बुद्धिमान तो मूर्ख, आधुनिक तो प्राचीन, बहादुर तो डरपोक, सरल तो कठिन, अस्त तो उदय, भला तो बुरा, वृद्ध तो युवा। हवे मुहावरा छे वाक्य प्रयोग, एक इधर उधर की बातें करना तो गप्पे मारना, बे लाखों में होना तो विशिष्ट होना, पछाड़ देना तो हराना, बराबरी करना तो मुकाबला करना, सच्चा हीरा होना तो अच्छा आदमी होना। शब्द समूह बहुत ही अच्छा आदमी तो हीरा, देवों के गुरु बृहस्पति, रहने का स्थान तो निवास। विद्यार्थी मित्रों तमने आ पाठ में ख्याल आई गयो हशे के तमने शुं समझावा मांगे छे। हवे आ पाठ ने तमारे वाचन करवानुं छे, विद्या ने वारंवार सब्सक्राइब करवानुं छे, लाइक करवानुं छे, शेर करवानुं छे, ने जे के लेसन आपे ते तमारे नोटबुक में उतारी अने प्रश्नों नुं बधुं मुहावरो करता रहेजो। अस्तु, जय हिंद।